अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं छोटा सा इंट्रो देने जा रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर का। सबसे पहले आपने बाकी ये फार्मेसी का पूरा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर सेल कर सकते हैं आप, से रिटर्न कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, स्टॉक चेक कर सकते हैं, अपनी एक्सपायरी चेक कर सकते हैं, बैच नंबर वाइज आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सर डॉक्टर्स की तरफ, अपने नए डॉक्टर ऐड करें इस फार्म के अंदर। अपने जितने भी डॉक्टर आपके पास हैं सभी को ऐड करें, मैंने कुछ को ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट हम फार्म की तरफ चलते हैं, ओपीडी फॉर्म। ओपीडी फॉर्म के अंदर देखें आपके पास एक पेशेंट आता है, उसको आप डेटा फिल करते हैं, तो आप इसके अंदर आप दो तरह का प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। उसका नाम प्रिंट करके कौन से डॉक्टर को चेकअप कराना है सब कुछ आएगा, ठीक है। फीस कितनी है, आपने व्यू पे क्लिक करना तो आपको वो जो लास्ट आपने अभी सेव किया होगा उसका सारा डेटा आ जाएगा कि रिसिप्ट नंबर कितना है, कौन सा आपका मरीज है, उसकी उम्र, सब कुछ जो भी डेटा आप कहेंगे वो फीड हो जाएगा। ये ऐसे सारा आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये मैं बंद कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास पहले ही लेटर हेड तैयार है जिसके ऊपर सिर्फ आपने प्रिंट करना, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये है कि आपका खाली A4 पे प्रिंट होगा, मगर कुछ डॉक्टर साहब के पास अपना लेटर हेड होता है तो वहाँ पे ये वाला नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपने प्रिंट करना, तो ये आपके लेटर हेड पे प्रिंट हो जाएगा, या अगर कमी बेशी हुई तो मैं सारा आपको सेट कर दूंगा। हाँ जी, तो ये था हमारा ओपीडी फॉर्म। नेक्स्ट हम सर चलते हैं ओपीडी रिपोर्ट की तरफ। इसके अंदर क्या है कि आप किसी भी दिन की चेक कर सकते हैं कि किस डॉक्टर साहब ने कितनी चेकिंग की है, ठीक है। तो ये मैं आपको शो करके दिखा, किसी भी दिन आप देख सकते हैं कि इस डॉक्टर साहब ने एक चेकिंग की है, कितने पैसे बने, सारे डॉक्टरों ने कितनी चेकिंग की है, वो कितने पैसे बने, ये आप सारा डेली चेक कर सकते हैं कि आज के हमारे डॉक्टर साहब ने कितनी चेकिंग की है और कितनी फीस वगैरह बनी है, ठीक है। और दूसरा सर, आप एक डेट से लेके यानी कि दूसरी डेट तक भी चेक कर सकते हैं, यानी कि पूरे महीने का लेना चाहते हैं आप, हफ्ते का रिकॉर्ड लेना चाहते हैं तो वो भी आप शो करा सकते हैं कि कितना रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, कौन से डॉक्टर का, या तमाम डॉक्टर का, या किसी एक डॉक्टर का नाम तक, या सभी का। सभी का डेटा आएगा डे बाय डे कि 14 तारीख को आपने इतनी चेकिंग की या 15 को इतनी किया, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा सिस्टम है टोकन इशू सिस्ट फॉर्म। अगर कुछ टाइम ऐसे होता है कुछ डॉक्टर हजरात को टोकन इशू करने का भी ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे आप डॉक्टर साहब का नाम सेलेक्ट करें, पेशेंट का नाम सेलेक्ट करें, मोबाइल नंबर दें, फीस कितनी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी जब आप किसी भी डॉक्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है। आप न्यू टोकन इशू करेंगे तो जैसे मैं अभी नाम लिख देता हूँ, जहाँ पेशेंट का मोबाइल नंबर उसका लिख देते हैं, तो आज के दिन ये कौन सा टोकन इशू होगा उनको, ये यहाँ पे लिखा आएगा कि ये वाला हॉस्पिटल है, ये एड्रेस आएगा, टोकन नंबर ये कितना आएगा, ये कितना टोकन नंबर इसको ये है, टोटल टोकन आज 3 हो चुके हैं, ये इस तरह की सारी रिपोर्ट्स आपको टोकन भी आप इशू कर सकते हैं आप। नेक्स्ट सर मैं चलता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास है लेबॉरेटरीज, लेबॉरेटरी टेस्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने टेस्ट नेम अपने ऐड करने, जितने भी टेस्ट के नाम हैं वो आप सारे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं, उनकी प्राइस क्या है, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, ये सारे आप फीड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लिस्ट देख सकते हैं जो मैंने अभी ऐड किए हुए ऑलरेडी, ये वो लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास ऐसे सिस्टम शो करेगा। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम जा रहे हैं ये टेस्ट नेम हो गया न्यू टेस्ट बुकिंग। कोई देखे ना पेशेंट आपसे टेस्ट करवाने आता है, ये सारा आपने उसका फॉर्म फिल करना है, पेशेंट का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एज क्या है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, शनाख्ती मेल है फीमेल है, सैंपल कहाँ लिया गया है, लेबॉरेटरी में या उसके घर में, कौन कौन से टेस्ट हैं, तो इस तरह सारे फीड करने के बाद आप यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं और उसका डाटा सारा डाटा फिल करें, कितनी अमाउंट बनी वो सारी आपको नज़र आएगी, ये अपने प्रिंट निकाल के उसे दे देना है ताकि उसके बाद भी प्रूफ रहे कि उसने हमें टेस्ट कराया, ठीक है। अब वो बंदा टेस्ट लेने आता है, हम उसका रिपोर्ट का प्रिंट ऐसे देंगे, न्यू टेस्ट रिपोर्ट्स, इसके अंदर जाएँ जो आपने टेस्ट किए होंगे, आप यहाँ पर टेस्ट नंबर लिखें 3, इसकी रिपोर्ट चाहिए हमें, आपने क्लिक किया, साफ हॉस्पिटल का नाम, पेशेंट का सारा डाटा ऊपर आया और ये पूरा उसका जितने भी टेस्ट उसने किए वो सारे टेस्ट की रिपोर्ट आप उसे प्रिंट करके ऐसे दे देंगे आप। ये ऐसे भी प्रिंट हो सकता है A4 पे, अगर आपका अपना लेटर हेड बना हुआ है तो उसी हिसाब से हम भी डिज़ाइन आपको करके दे सकते हैं, ठीक है जी। ये होगी हमारी लेबॉरेटरी की रिपोर्ट्स। नेक्स्ट मैं देखता हूँ टेस्ट रिपोर्ट बाई डे। अगर कुछ टाइम हमें ज़रूरत होती है कि आज के दिन हमने कितने टेस्ट किए, वो अपना नाम सेलेक्ट करना है आपने कि किस दिन हमने कितने टेस्ट किए, सिस्टम आपको बताएगा कि आज के दिन आपने इतने टेस्ट किए। अगर आप चाहते हैं कि एक महीने के अंदर या एक हफ्ते के अंदर या किसी भी दिन के दौरान हमने कितने टेस्ट किए, वो आप सारा डाटा सेलेक्ट करें, शो करें, तो सिस्टम आपको सारी लिस्ट दे देगा कि आपने ये आपने टेस्ट किए हुए हैं, ठीक है।
ये सर छोटा सा तारफ था, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।